खबर करेरा से, जहां फरियादी माया शिव ने बाड़ी निवासी टोड़ा पिछोर ने करेरा थाने में रिपोर्ट लिखाई कि कल मंगलवार को 4 से 5 बजे के करीब मेरा लड़का सुरेश बाड़ई और गांव का गुड्डा लोदी एवं सभी तीनों लोग अपने घर पर शराब पी रहे थे। उसे थोड़ी देर बाद एहसास हुआ और नींद लगी, तो रात करीब 8 से 9 बजे के बीच जब नींद खुली तो उसने अपने पैंट की जेब में रखे 50,000 रुपए देखे तो नहीं मिले। 50,000 रुपए उसने अपनी नातनी की शादी के सामान लेने के लिए अपनी जेब में रखे थे। उसने नाती ऊधम से पूछा तो उसने बताया कि तुम्हारी जेब से गुड्डा लोदी पैसे निकाल ले गया है। तब वह गांव के बाहर अपने लड़के सुरेश व गुड्डा लोदी को देखने आया। रात्रि करीबन 11 बजे का समय होगा तो घुटाई पर मलखान लोदी के खेत के पास रोड पर शराब के नशे में गुड्डा लोदी रोड पर लाठी ठोक रहा था और मेरा लड़का यानी सुरेश पास में ही बैठा था और गाली गलौज कर रहा था। मैंने उससे उस समय कुछ नहीं बोला, फिर मैं अपने घर आकर सो गया। आज करीब सुबह 6 बजे ग्राम सिरसोना का चौकीदार मेरे घर आकर बताया कि तुम्हारा लड़का सुरेश घुटाई के पास मलखान लोदी के खेत में मरा पड़ा है। तब मैं और ग्राम सिरसोना का चौकीदार और गांव के और भी लोगों ने एक साथ जाकर देखा तो मलखान लोदी के खेत में मेरा बेटा मरा पड़ा था, जिसके सिर में चोट होकर खून निकल रहा था। मुझे शंका है कि क्या नाम है आपका? माया से। कहाँ के रहने वाले हैं? टोड़े के। टोड़ा जी कौन का कौन से थाने में लगता है? करेरा ही। अच्छा, क्या घटना घटित हुई है? आपके साथ में क्या घटना घटित हो गई है? ऐसी हो गई कि जिनने साहब काल दारू पी। कौन कौन है? मान लो गुड्डा ने और सुरेश ने। हाँ हाँ। और 50,000 रुपये धरा तो मैं जेब में। हाँ। जिनने खुद तो मुँह पे याद आई। हाँ। और रुपया काट गए और रवि चक संजय 5 बजे। अच्छा, तुम्हारे पैसे निकाले। हाँ, फिर बस फिर नहीं है पता कि जी का करूं करें का नहीं करें। अच्छा, आपको कब पता पड़ा कि ये साहब? मुझे जब पता पड़ा जब चौकीदार गांव खुदाई जब बाने कही। क्या बोला? कि तुम्हारा मोड़ा डरवा बा मोड़ा उठा ले आओ। फिर मैं फिर चौकीदार के संगे आओ। वो होना मान लो बुलाता आदमी ठाणी जरूर। फिर तो मान लो फिर मैंने देखो आपके लड़के को चोट कहाँ कहाँ थी? यहाँ बता रहे हैं जब। अच्छा, मैंने तो देखी थी। आपको किस पे शंका है? मुझे तो कहा था मतलब गुड्डा पे शंका है। अच्छा, 50,000 रुपये तुम्हारे पास कहाँ से आए थे जी? और बताओ। राय बेच के जो तो ऐसी मान लो कि मिसो जी आए थे ना पूछ लो। हाँ, फसल बेच के। अच्छा, ऐसे नहीं मतलब के। तो फिर आपने पुलिस में क्या रिपोर्ट दर्ज करवाई है? अभी करवाई कि नहीं करी? नहीं करी। अच्छा, और ये गुड्डा कौन है इसका? कौन को जी जो मृतक है जो आपका बच्चा? हम मान लो बाड़ा ही है बे माते दोस्ती है कि क्या है? मतलब दोस्ती का को मतलब पीबे की दोस्ती है इनकी। अच्छा, ठीक है। सर, आज जो अपने सिरसोना ग्राम में लाश मिली है उस पर आपका क्या कहना है? हाँ, पुलिस को सूचना मिली थी कि मृतक सुरेश विश्वकर्मा की वाश पड़ा हुआ है। हाँ। प्रथम दृष्टया मौके पर उसको जो है हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है और पीएम के लिए भेज दिया गया है, विवेचना जारी है।